सीहोर के आष्टा विधानसभा के ग्राम गवाखेड़ा के रहने वाले लोकेंद्र सिंह ठाकुर 4 वर्ष पहले आर्मी में भर्ती हुए थे। अभी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनाती के दौरान आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए गोली लगने से शहीद हो गए। शहीद लोकेंद्र सिंह ठाकुर के शहीद होने की खबर जैसे ही उनके परिजनों को लगी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बता दें कि शहीद की पिछले वर्ष ही शादी हुई थी, वह घर का अकेला वारिस था। लोकेंद्र सिंह के शहीद होने की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। क्षेत्र के लोग सोशल मीडिया पर ही श्रद्धांजलि दे रहे थे। जो जल सैलाब वो निश्चित ही हमें गर्व है। शनिवार को शहीद के शव को पैतृक गांव गवाखेड़ा लाया गया तो हजारों लोगों का जनसमूह उसे श्रद्धांजलि देने पहुंच गया। जिन बुजुर्गों की आंखों के सामने गलियों में लोकेंद्र खेला करता था, उन्हीं आंखों के सामने लोकेंद्र सिंह ठाकुर की अर्थी निकली तो लोगों की आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। शहीद की शव यात्रा को युवकों की टोली भारत माता की जय और लोकेंद्र सिंह ठाकुर अमर रहे के जय घोष के साथ चल रहे थे। हर कोई शहीद लोकेंद्र को अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। मुंह मोड़ करके मुंह से निवाला चला गया, माँ बाप की आंखों से उजाला चला गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सीहोर से रायसिंह मालवीय की रिपोर्ट।